और एक माता जी कोड़े आसपास में पहलो मंदिर है जो का मान लिफ्ट है बालागरी है 1992 के अंदर यो काज को जड़ाव है वो कराई गयो है। वही वर्षा तक बैठाई की पूजा होती रही बैठे ही मूर्ति को नाम जाए चक्रेश्वरी के नाम पूजा करी जाती रुकने कारण आ मूर्ति आगे बढ़ी को नहीं और बैठे ही मजबूर होकर के मूर्ति की स्थापना करनी पड़ी। आ महिषासुर मर्दिनी को ही रूप है और 534 साल से आप मूर्ति अठे पूजी रही है। हिंदुस्तान में भारत में जितना भी राठौड़ है आगे कुलदेवी है। पाकिस्तान को हमला हुआ तो बीकानेर को कभी आज तक जनता को नुकसान को नहीं हो। राम राम जी मोक्ष को थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ बीकानेर और बीकानेर जितना भी मेरा प्यारा प्यारा दर्शक देख रहे हैं वह कमेंट जरूर करियो। मैं नागनेची मंदिर पहुंच गई हूँ। ऊपर माता जी को मंदिर है नीचे हनुमान जी को मंदिर है अडिन रामदेव जी को मंदिर है। तो आप सौ पहली नागनेची मंदिर है बड़े ऊपर चलांगा और माता जी की जो कहानी है बाज आप जानांगा और थारे तक पहुँचावांगा। मंदिर के ऊपर मैं आ गई हूँ अड़ीन आप बातचीत करा तो सौ अच्छी बात ये कि काफ़ी जो स्पेस है आसपास में की दीवारियाँ खचड़ी है जया कि राजा महाराजा का पहली महल होया करता भी तरीका लुक है वो दी हो गयो है। तो सब लोग जब बैठ गई फिर माता जी की नजरम है वो देखी ही और ई तरीका करकी भाई एक धोक है मैं खाऊंगी ही। तो अड़े की एक विशेष बात है यार अंकल जी ये जो माता जी का हाथ तरफ है नो हाथ एक तरफ है नो हाथ एक तरफ है हाथ और ऊपर से देख रहे हो यो कांच को जड़ाव है और 1992 के अंदर यो कांच को जड़ाव है वो कराई गयो है। नमस्कार जय माता दी। जय माता दी। अंकल जी कितनी सालों माता जी के मंदिर में आन लाग रहे हो? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ करीब 60 साल हो गया। अंकल जी कोई है की मनोकामना जो माता जी थे मांगी और थारी पूर्ण हुई? अरे करी हो कुल देवी है मार तुबिया सच्चे मन सु जो धार लियो वो पूरा करे माता जी। जय माता दी अंकल। जय माता। अंकल जी थे भी बचपन में आ रहे हो या बाद में? नहीं बचपन से ही आ रहा हूँ। माता जी की विशेष बात है? विशेष बात तो ये है कि शुरू से ही ना श्रद्धा जुड़ी हुई है इनके भरोसे सब काम करते हैं सब काम पूर्ण होते हैं बस वही एक आस्था है ना क्या है कि जुड़ी हुई है इनसे। ज्यादा भीड़ कब रहा है माता जी के मंदिर में? शनिवार को। स्वागत है थारा जलको राजस्थान पर। धन्यवाद जलको राजस्थान की तरफ से आपको हमारे नागनेची मंदिर की तरफ से। मैं आपको नागनेची माता के मूर्ति के इतिहास के और इसके नाम के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। आ मूर्ति दक्षिण भारत में हमारे राठौड़ा जगह पहली जो राजवंश हो पुरानो नाम हो राष्ट्रकूट राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश का जो है दक्षिण भारत के अंदर राज करता अभी टाइम कर्नाटका में आज हूँ 1600 साल पहले यानी छठी और सातवीं शताब्दी के मायने स्वामन चांदी की मूर्ति 18 भुजा की चांदी की मूर्ति साथ में महिषासुर है इकी बनाई कटे कर्नाटका में। वही वर्षा तक बैठे की पूजा होती रही बैठे ही मूर्ति को नाम जो है चक्रेश्वरी के नाम पूजा करी जाती। कालांतर में राष्ट्रकूट राजवंश के राजा जो है कन्नौज पधार गया कन्नौज में ये मूर्ति की पूजा हुई और कन्नौज में यहाँ को शासन रियो तो बैठे को नाम पंखणी हो और कन्नौज के बाद में राजस्थान में एक राव सियाजी नाम का बहुत महापुरुष वीर पुरुष हुआ वह अठे राजस्थान पधारिया बाड़मेर में खेड़ नाम के जगह जो है आपकी राज्य राजधानी स्थापित करी। बारा पोता या राव धूड़ जी माने कोई पोड़म दियो कि थान तो पतो कौन था कि कुलदेवी खटे खटे कुलदेवी रहे आपको तो पतो कौन तो पतो करवायो कि मानी कुलदेवी कन्नौज के मायने तो राव धूड़ जी बटे जार कन्नौज एक मूर्ति ने बठू लेर आया और लेर ए खेड़ ले जानो चाहवा लेकिन रास्ते के मायने बाड़मेर जिला में कल्याणपुर के पास में एक नागाना नाम को गांव है भी गांव में नीम के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गया। रुकने कारण आ मूर्ति आगे बढ़ी को नहीं और बढ़े हुआ मजबूर होकर के ई मूर्ति की स्थापना करनी पड़ी। कालांतर में नागाना के नाम सुई ई मूर्ति को नाम नागनेचा पड़े और कम से कम राजाओं की 6-7 पीढ़ी तक ई मूर्ति की बटे पूजा होती रही। आके वंश में बाद में जा रहे पहले छोटा राजा है आके परिवार में बाद में बड़ा राजा बनया राव चूंडा न मंडोर का शासक बनया जाने मूर्ति ने बीटम जोधपुर बसोड़ो को नहीं हो न मंडोर में लारी स्थापित करी बटे पूजा की पाठ हुई। बाकी एक बहुत प्रतापी राजा हुआ राव जोधा जी जगह जोधपुर नगर बसायो वह पोता बांगा बटे जब मेहरानगढ़ में चीड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ बनायो क्योंकि के लारे ही ई माता जी को मंदिर बनाया और ई मूर्ति की बड़ी स्थापना की। वर्तमान में बार चामुंडा माता की मूर्ति है अबार मेहरानगढ़ के मायने आका एक लड़का हुआ जोधा जी का जगह बीकानेर नगर की स्थापना करी के पिताश्री मैं आप हूँ मारवाड़ राज्य में कोई सुकून मांगू मैं अलग राज्य की स्थापना कर ली है लेकिन 12 जगह है पूजनीय चीज़ा मैंने थे दिलाने की कृपा करो और 12 पूजनीय चीज़ा में एक नागनेची माता की मूर्ति कुलदेवी की एक जोधा जी को खांडो ऐ मांगी तो वह स्वीकृति दे दी तो 12 चीज़ा बीकानेर बैलगाड़िया में आई जिकी बैलगाड़ी में आ मूर्ति रखोड़ी नागनेचा माता की आ मूर्ति 8 जठे वर्तमान में मंदिर बनोड़े बार प्रजेंट में 8 रुक गई बहुत प्रयास करो
वाटा सुमस कोनी मूर्ति माता जी को नीचे स्थान पर स्थापना कोनी हुए जना आस पास का जगह चारों मेरे का नाला जगह हुआ है मिट्टी खुदाई कर अट एक धूलकोट बनायो माटी को स्थापित करी ये मूर्ति की और भी के बाद में आगे पीढ़िया में महाराजा राय सिंह जी का वर्तमान में जगह गुम्बद और बनड़ा पत्थर को काम देखो और महाराजा राय सिंह जी करोड़ है और बीकानेर में लगभग आज 534 साल लूँ ये मूर्ति की पूजा हो रही है। आ महिषासुर मर्दिनी को ही रूप है और 534 साल से आप मूर्ति अठे पूजी रही है और राठौड़ राजवंश की आग कुलदेवी है। हिंदुस्तान में भारत में जितना भी राठौड़ है आगे कुलदेवी है और जखा बैठे जखा राजा बैठा पब्लिक भी आने कुलदेवी के रूप में ही पूजा है। अब वर्तमान में आप देखो कि अब 1.5-2 साल में जो कोई प्रोग्रेस माता जी के ये मैं तो चमत्कार ही मानता हूँ कि मैं अठे पेड़ लगाया जो बंजर भूमि का मायने जैसे घास को तिनको ही आज तक उगियो को नहीं ये माता जी को चमत्कार है। कभी आप हरियाली देख रहे हो 1100 पेड़ लगोड़ा है, 2 बगीचा लगोड़ा है, फूल खिलोड़ा है, नारियल का पेड़, कदम का पेड़। अंकल जी देखा तो माता जी की क्या विशेषता है इकड़े? अटे की विशेषता है कि पाकिस्तान को हमला हुआ तो बीकानेर को कभी आज तक जनता को नुकसान को नहीं हो और बीकानेर की जनता की सब मनोकामनाएं आ माँ पूर्ण करे है। और अटे कोई भी महत्वपूर्ण कर कोई त्यौहार मनावे तो सबसे पहले यहाँ माता जी को परमिशन लेना आवे जहाँ होली को त्यौहार है अठे माता जी ने आर होली खिलासी और बी के बाद में होली का फंक्शन शहर के मायने शुरू है। बहुत ही महत्व है और पहली कालांतर में सामने आप देख रहे हो अठे झरोका लगोड़ा ये झरोका सूच सीधा जूनागढ़ के मायने राजा जी ने रानी जी ने दर्शन होता। अच्छा। अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक चमत्कारिक मूर्ति और मंदिर है। माता जी के मेलो वगैरह भी लगे? मेलो लगे साल में 2 बार नवरात्रि हुए तो नवरात्रि में 2 बार लाखों की भीड़ आवे और एक मोदिया को मेलो भी अठे भरी जाए भी आना खूब माने माता जी ने। तो अंकल जी मैं सुनी हूँ कि अठे एक बहुत बड़ो अपवाद जहाँ फैलो गयो हो लोगा की हया होगी कि भाई माता जी को मंदिर के आसपास की जमीन ले लिया बहुत सारो मतलब एक वाद विवाद फैल गो के कुछ बात ही बात यही के ला रहे है 75 प्लॉट काट अठे कहीं का दीवारा बना ली एक UIT अठे जगह आप नई सीढ़ियां बनानी देख रहे हो 250 फुट का एक प्लॉट काट कर एक पुजारी को दे दिया था उसके अंदर ये संघर्ष हुआ तब मैंने एक नागणी जी माता ओरण रक्षा संघर्ष समिति बनाई थी उस समय और बना करके ये लड़ाई लड़ी और कालांतर में माता जी की कृपा से ही जिन जिन लोगों ने भी मेरा हमारा इस मंदिर के बारे में विरोध किया उन सबको माता जी महाराज ने परास्त किया और संघर्ष की जीत हुई। और 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 2 करोड़ का बजट पास करवा करके ये नई सीढ़ियाँ बनवाई ये लिफ्ट बनवाई पीछे जन सुविधाएँ बनाई और ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री पहले मैंने तारबंदी करवाई थी हमारी समिति ने उसके बाद में फिर ये दीवार बनवा करके उन्होंने एक सारा आसपास का एरिया जो है सुरक्षित किया तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और बीकानेर की जनता ने भी हमारी समिति का हमारा सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद। और आप ये सब बातें जो है जनता के सामने ला रहे हो मैं आपका जो है आपका चैनल है ई कोई मैं बहुत घणो मानसू आप रो आभार व्यक्त करूँ। हनुमान जी और गणेश जी की मूर्ति है भाई एक साथ में स्थापित है वो जो को मंदिर है जिसका पुजारी जी खड़े है हमारा दादा जी है कालू महाराज बहुत ही संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है वही मंदिर की स्थापना करी और बहुत ही मेहनत करके वह आज 50 साल पहले ये मूर्ति की स्थापना करवाई तो बारो परिवार ही आज आने पूजे है हमारा 2 लड़का है और हमारा पोता है वह ये मंदिर ने पूजा है बहुत ही चमत्कारिक मनसापूर्ण हनुमान जी है जिसका आप देखा ना पूनरासर बाबा तो पूनरासर बाबा की जोत बटू लार अटे स्थापित करी। तेरा वीडियो शेयर करियो सब जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दियो जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।